वेलकम बहुत बहुत स्वागत सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल में। और देखिए, ये जो वैकेंसी है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिहार के ही बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो भी हैं हम आपको शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ देखते रहना। तो देखिए, चलिए, तो ये वैकेंसी है बिहार लोक सेवा आयोग में। और सबसे बड़ी बात है, ये जो है ना सहायक प्राध्यापक, जिसे कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर नाम बहुत सुना होगा, लेकिन सहायक प्राध्यापक नहीं सुना होगा। तो ये वैकेंसी होगी, ठीक। मतलब आपको पढ़ाना है, जो आपके डिग्री कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट के हैं, उनमें आपको पढ़ाने का अवसर मिलेगा, ठीक। आज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप नियुक्त किए जाएंगे। अब इसकी जो भी शर्तें, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों, टोटल वैकेंसी है 287 वैकेंसी है। और आगे देख लेते हैं, लिखिए, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों को मिलेगा। इन द केस इफ यू आर बिलोंगिंग टू अदर स्टेट लाइक यूपी, एमपी एंड अदर स्टेट, यू हैव टू फिल अप योर फॉर्म एज ए जनरल कैंडिडेट, और आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। टोटल सीटें आप देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए 116, ठीक है, और जिसमें 35% सीटें महिलाओं के लिए, मतलब 116 में से 40 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो अगर आप कोई फीमेल मेरा ये वीडियो सुन रही है तो ज़रूर अप्लाई करें, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 29 हैं, जिसमें 8 महिलाओं के लिए, लाइक वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, बिहार राज्य के जो, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो 5 सीटें उनके लिए, जो उनके पोता पोती नाती वगैरह हैं, नतनी वगैरह हैं, तो 2% का क्षेत्रीय आरक्षण होता है, तो 5 सीटें आपके लिए हैं। इसके अलावा अगर आप दृष्टिबाधित, मूकबाधिर या फिजिकल कोई हैंडीकैप्स हैं और मनोविकार वगैरह हैं, तो आपके लिए सीटें रिजर्व हैं क्रमशः 3, 2, 3, 3 करके, ठीक है। अब देखिए, आपका वेतन 57,700, पे लेवल 10 का वेतन, जैसे कि आईएएस नहीं होता तो आईएएस का भी वेतन इतना ही होता है, ठीक, उसका 56,600 होता है, इसमें 1,000 ज़्यादा ही दिखा रहा है, ठीक है। तो वेतन आपका एक नंबर का वेतन है, और आप जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर, एक जो है ना ग्रुप ए की जॉब होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, ग्रुप ए की जॉब है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आप इसमें देख लेते हैं, शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, बी या बी टेक या बी एस सी इन इंजीनियरिंग, या फिर आपने कोई पीजी की डिग्री ले रखी हो, या आपके पास में इंटीग्रेटेड डिग्री हो 5 साल वाली, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ थी। अगर आपने डिस्टेंस मोड से या ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा, ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए, ये 14/8/2020, मतलब 14 अगस्त 2020 के पहले पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है ना अपीयरिंग हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जो आपकी 1/8/2020 है, इससे आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। उम्र सीमा मिनिमम 22 साल है, अधिकतम उम्र सीमा की कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं है। अगर आपकी 60 साल भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर आपकी 65 साल है तो आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि 65 साल की उम्र में ये सेवानिवृत्ति दे देते हैं, मतलब रिटायर कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने उम्र सीमा के बारे में देख लिया, और आगे देख लेते हैं। अब देखिए, सिलेक्शन जो आपका किस बेस पर होगा, चयन का आधार, मुख्य 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले एकेडमिक्स, 20 नंबर का, मतलब जो आपने जो है बीटेक एमटेक किया है उसके नंबर जो आपके आ रखे हैं, ठीक है, उनके नंबर जोड़े जाएंगे। बीटेक बैचलर डिग्री वालों के 5 नंबर, और जो ना इसके मैक्सिमम 10 नंबर एमटेक वालों के, और पीएचडी कर रखी तो 5 नंबर उसके अलग से जोड़े जाएंगे। तो इस तरह आपके जो है ना 10, 5, 5, मतलब 20 नंबर टोटल यहाँ हो गए। अब देखिए, आपका रिटर्न एग्जाम होगा 40 नंबरों का, तो इसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 40 पूर्णांक आपके रहेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न आधा नंबर का होगा, तो ये चीज़। और इसका सिलेबस क्या होगा, जो गेट का सिलेबस होता है आपका, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट में जो सिलेबस आता है गेट के एग्जाम में, वही सारे सिलेबस आपका इसमें रहने वाला है रिटर्न एग्जाम में, तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। और साक्षात्कार आपका जो है ना 15 नंबर का होगा, और इसके अलावा संविदा पर अगर कहीं आप आयोजित रहे हैं, आपने पढ़ाया वगैरह, तो उसके लिए 25 नंबर अलग से आपको दिए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक चीज़ मैं आपको यहाँ से और बताना चाहूँगा, आपको ये जो डिग्री वगैरह है ये सारे बच्चों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीटेक तो कई अन्य ब्रांच में होता है, लेकिन ये वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए ही है। तो इस तरह हमने इसके बारे में देख लिया गया। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, इसमें कुछ खास नहीं है। जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं, आप वेबसाइट पर जाकर, सबसे ऊपर बताई थी, आप वहां जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क के बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
मतलब फॉर्म फीस आपकी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, बिहार राज्य की अनुसूचित जनजाति वगैरह के लिए 200 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये, दिव्यांग के लिए 200 रुपये, और जो है ना अन्य समय उम्मीदवार अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 750 रुपये आपको फॉर्म फीस देनी है। तो ये फॉर्म फीस के बारे में बात हो गई। अब देखिए आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, आप यहाँ से देखिए 13 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेंगे, तो आपके ऑनलाइन फॉर्म जल्द शुरू होने वाले हैं एक दो दिन में, तो दो दिन बाद। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, आपको ऑनलाइन फॉर्म तो भर ही देना है, साथ साथ में जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया उस फॉर्म को आपको डैशबोर्ड से डाउनलोड कर लेना हार्ड कॉपी में अपने जो है ना साइन वगैरह करके, ठीक है। आपको सभी जो आपके प्रमाण पत्र हैं उन्हें आपको भेजना है इस एड्रेस पर। आप यहाँ से देखिए संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 24/8 तक आपको जो नए फॉर्म भेजने हैं, तो आप इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है फिर उसकी कॉपी निकाल के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ से देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लगा कर आपको भेजना है, ठीक है। एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया, अब ये भेजने के लिए आप जो है ना स्पीच पोस्ट का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी, कई सारे बच्चे जो है ना इसे मिस कर देते हैं, तो इसे मिस मत करिएगा। तो हमने अब यहाँ से सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और ये PDF भी मैं आपको नीचे दे दूँगा, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप और चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।